सावनेर के पाटन सांगी से कोरोना संक्रमण का गंभीर मामला सामने आया है, जहां आदर्श विद्यालय और जूनियर कॉलेज के 16 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दो दिन पहले प्रिंसिपल के पॉजिटिव होने पर छात्रों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 16 छात्रों के संक्रमित होने का मामला सामने आया। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शैलेश ढोरे आदर्श विद्यालय में इस वक्त मौजूद है। शैलेश, पाटन सांगी के आदर्श विद्यालय से संक्रमण का गंभीर मामला सामने आया है, इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? शैलेश, देखिए चेतना, जिस तरह से सावनेर विधानसभा क्षेत्र का ये पाटन सांगी का स्कूल है, जहाँ पर जूनियर कॉलेज के तौर पर यहाँ पर 5 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे, कल जहाँ पर इस विद्यार्थियों का जो यहाँ पर टेस्ट किया गया, उस टेस्ट पर 16 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एक बड़ी न्यूज विदर्भ टीवी की, जहाँ पर पाटन सांगी के आदर्श विद्यालय के 16 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ चेतना जी, आदर्श विद्यालय में, यहाँ के स्कूल में मैं खड़ा हूँ, विद्यालय का देख सकते हैं कि फिलहाल अभी विद्यालय यहाँ पर पूरी तरह से बंद किया गया है। विद्यालयों के जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको ये बता दिया गया कि फिलहाल अभी स्कूल में ना आए। यहाँ पर टीचर लोगों को यहाँ पर सीधा तौर पे कल यहाँ पर उनकी जांच की गई, और जांच में सीधा टीचर लोगों को यहाँ पर ये बताया गया कि इस पूरे तरह से अपनी यहाँ पर टेस्ट करवा ले कोरोना पॉजिटिव की। जिस तरह से यहाँ पर कल जो 16 बच्चे की यहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट आई, एक शिक्षक विभाग के और यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय की चिंता की बात है। जिस तरह से कोरोना की लगातार यहाँ पर जो बढ़ते हुए आंकड़े, नागपुर जिला और नागपुर जिला ग्रामीण के अंदर में जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे, चिंता की बात है, स्कूलों की के लिए बहुत बड़ी चिंता की खबर है चेतना। शैलेश, इस तरह का मामला सामने आना गंभीर स्थिति को दर्शाता है और स्कूल प्रशासन की लापरवाही को भी। इस बारे में स्कूल प्रशासन से किसी तरह की आपकी बात हो पाई है, क्या बताएंगे? देखिए, स्कूल प्रशासन के यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर और एक जिस तरह से ब्रेकिंग है कि यहाँ पर जो मुख्याध्यापक मैडम है, उनको 2 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी। जहाँ पर मुख्याध्यापक मैडम के बाद में कल यहाँ परसों के दिन यहाँ पर बच्चों की टेस्ट की गई, जिस टेस्ट पर 16 बच्चे, एक आंकड़ा है बहुत बड़ा, 16 बच्चे यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और इन आंकड़ों के बाद में प्रशासन ने जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन या जिला यहाँ पर तहसीलदार हो, SDO, उन्होंने सीधा तौर पर यहाँ पर कल एक तात्कालीन मीटिंग ली गई स्कूल के तरफ से। और स्कूल के तरफ से यहाँ पर मेरे साथ में परमेशिका मैडम है, जो अभी फिलहाल तो वहाँ वो थोड़ा यहाँ पर अलग है, उनसे मैं थोड़ी देर में बात भी कराऊंगा। लेकिन यहाँ देखा जाता है चेतना जी कि जिस तरह से इस विद्यालय की अगर यहाँ से लेकर ग्रामीण की बात की जाए, तो ग्रामीण में जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो हम देखते हैं कि अगर इस विद्यालयों की बात की जाए या फिर इसके बाद में और भी विद्यालय है, क्या शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय या फिर शिक्षा विभाग क्या आदेश देंगे, क्या स्कूल चालू रहेंगे, क्या इस तरह से आंकड़े बढ़ते रहेंगे? एक दूसरी लाट बोली जाती है, दूसरा फिर से कोरोना का एक फिर से भय निर्माण हुआ है नागपुर में, नागपुर जिला ग्रामीण में। और जिस तरह से कोरोना के 16 बच्चे इस आदर्श विद्यालय में मिले हैं, तो शिक्षा विभाग अभी आगे समय क्या शिक्षा विभाग कार्रवाई करेंगे या शिक्षा विभाग कौन सा फैसला करेंगे, ये तो अभी चेतना देखने वाली बात है। तो चेतना जी, मेरे साथ में परवीशिका मैडम है, जो जिन्होंने अभी हमारे साथ रहे विदर्भवटी में, उनसे हम लोग जानकारी लेते विदर्भवटी मैडम। किती मुलं आपल्या शाळेतले आदर्श विद्यालयातले 16 पूर्व पॉझिटिव्ह आलेले आहे, काय माहिती आहे तुम्हाला पूर्ण? आता ह्या नवीन कोरोना स्ट्रेन मध्ये कोरोना कुठून येईल काय, संपूर्ण महाराष्ट्रातच त्याचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे। दुर्दैवाने आमच्या शाळेतले 16 विद्यार्थी यात पॉझिटिव्ह आले, त्याची ही दुःखाची बाब आहे। परंतु यासाठी आम्ही सर्व प्रिकॉशन घेऊन सुद्धा ते विद्यार्थी जर आले, तर यासाठी आम्ही तातडीच्या काल उपाययोजना अंमलात आणल्या। जे विद्यार्थी आले त्यांच्या संपर्कात, त्यांचे कुटुंब, ते संपर्कात कुठे कुठे गेले यांची सगळी माहिती काल घेतली, आणि त्या सगळ्यांच्या कोरोना टेस्ट RT-PCR काल PSC मध्ये केलेले आहे। काही शिक्षक मुख्याध्यापक मॅमला भी कोरोना पॉझिटिव्ह, काही शिक्षकांचा भी चाचणी झाली? शिक्षकांची, सर्व शिक्षकांची चाचणी झाली, परंतु रिझल्ट येणे बाकी आहे। जेव्हा विद्यार्थ्यांची, शिक्षण विभागाचे आदेश होते की विद्यार्थ्यांची कोरोना चाचणी होणार आहे, त्यांना सहकार्य करावे, त्यानुसार विद्यार्थ्यांची कोरोना चाचणी बॅचेसनुसार घेण्यात आली। तेव्हा मुख्याध्यापिका मॅडम यांनी सुद्धा आपली कोरोना चाचणी केली, तर त्यांची एकट्यांची असल्यामुळे पहिले त्यांचा रिझल्ट आला आणि दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थ्यांचा रिझल्ट आला। चेतना जी, जिस तरह से मैडम ने पूरी जानकारी बताई है, और इस जानकारी के हिसाब से जिस तरह से देखा जा रहा है कि विद्यार्थी यहाँ पर आदर्श विद्यालय के 16 बच्चे तो पॉजिटिव है, लेकिन आने वाले समय में स्कूल विभाग और जहाँ पर शिक्षा विभाग किस तरह के फैसले लेते हैं, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन सुखदेव सोनेकर के साथ में शैलेश ढोरे, विदर्भ TV।
पाटन साहब जी, यकीनन एक स्कूल से 16 बच्चों के संक्रमण की खबर मामले की गंभीरता को दर्शाता है और उन बच्चों के घरों तक परिसर तक संक्रमण को फैलने से किस तरह से रोका जाए ये प्रशासन के लिए एक चुनौती है और स्कूल प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है।